वेलकम बैक फेलो फूड गीक्स, आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही डिलिशियस सा एवोकाडो टोस्ट या एवोकाडो सैंडविच लेके मैं आई हूँ। एवोकाडो को मक्खन फल भी कहा जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्याज को छील लीजिए, थोड़ा सा ही चाहिए हमें। हम दो तीन बार उस प्याज को स्लाइस कर लेंगे ऐसे। अब एक कटोरी में ठंडा पानी डालेंगे। इसके अंदर हम एक बर्फ का टुकड़ा डालेंगे और अपना कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। इससे प्याज बहुत ही क्रंची रहता है और प्याज की कड़वाहट भी चली जाती है। अब हमने चेरी टमाटर लिए हैं। हम 8 से 10 चेरी टमाटर इस्तेमाल करेंगे 2 सैंडविचेस में और इनको मैं बीच में से काट लूंगी। अब हम मक्खन फल या एवोकाडो को काटेंगे। तो एवोकाडो को ऐसे चीरा लगाइए और गोल घुमा लीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर ट्विस्ट करके दोनों भागों को अलग कर लीजिए। अब इसकी गिटक निकालने के लिए चाकू को इस पर मारिए और गिटक को ट्विस्ट करके निकाल लीजिए। ध्यान से अपने हाथ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें सीधे चीरे लगाइए जैसे कभी कभी हम आम में भी लगाते हैं और उसके बाद हम दूसरे डायरेक्शन में चीरे लगाएंगे। और अब एक चम्मच लेंगे और इसे सब स्कूप कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। मैंने टोटल में 4 ब्रेड स्लाइस लिए थे, ये 2 हैं। इनको आप टोस्ट कर सकते हैं, अवन में ब्रॉयल कर सकते हैं, आप इनको ग्रिल कर सकते हैं, तवे पे सेक सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। और सेकने के बाद जब ये थोड़े क्रिस्प हो जाएं, उसके बाद सबसे पहले हम इन पे एवोकाडो लगाएंगे, फिर हमने जो चेरी टमाटर काट के रखे थे वो लगाएंगे। चेरी टमेटोज जो है वो अकेली चीज़ है जो एसिडिस के अंदर डाल रहे हैं, जो खट्टी चीज़ डाल रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने जो प्याज काट के रखे थे बर्फ़ वाले पानी में, वो प्याज लगाएंगे। प्याज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद। बाकी प्याज की वजह से क्रंच आता है जो बहुत अच्छा लगता है, और कड़वाहट तो निकल ही गई है क्योंकि हमने इतनी देर तक इसको ठंडे पानी में रखा था। अब हम इस पे लगाएंगे काला नमक, वो आप अपने स्वाद के अनुसार काला नमक इस पे लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आप सादा टमाटर भी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, कोई दूसरा प्याज लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरी छोटी बहन ने सबसे पहले मुझे ये खिलाया था और मुझे इससे सैंडविच से प्यार हो गया था। थोड़ा सा एंड में बस मैं ऑलिव ऑयल ऊपर से ड्रिजल करती हूँ और ये मेरा सैंडविच तैयार है। अब इसे मैं ब्रेड को इसके ऊपर रख के काट लूँगी। बस आप अब सैंडविच को एंजॉय कीजिए। आपको कोई किताब पसंद है, मैगजीन पसंद है, मैगजीन लीजिए। बाहर अच्छी सी मीठी सी धूप इस समय निकली हुई है, बस इस सैंडविच को लेकर, एक किताब लेकर, थोड़ा फ्रूट लेकर बैठने का दिल है। छोटी सी पिकनिक मेरे लिए। नहीं तो अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप किसी को बुला भी सकते हैं, 2 लोगों की पिकनिक बनाइए। तो आई होप यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगी। अगर आए तो लाइक बटन दबाइएगा, आप शेयर कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं, बाय।